फाल्कन वैक्यूम पंप साइंस सिस्टम तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि DLV-750C जो ड्राई वैक्यूम पंप है उसकी जनरल मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं और आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो एफिशिएंटली और स्मूथली रन करता रहे बिना किसी ट्रबल में डाले। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से पहले आप लोगों के पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं या जो औजार हैं वो तैयार होने चाहिए ताकि मेंटेनेंस करते वक्त कोई भी आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम करने वाले हैं फिल्टर क्लीनिंग। फिल्टर क्लीनिंग के लिए आपको फिल्टर कवर को खोलना होगा। फिल्टर कवर को खोलने के लिए आपको एलिंग की जो यूज़र मैनुअल दिया गया है पंप के साथ उसके साथ मिलेगी, आप उसके प्रयोग करके फिल्टर कवर को आसानी से खोल सकते हैं। चारों बोल्ट को खोलने के बाद आप फिल्टर कवर को बाहर निकाल लें और साथ ही जो फिल्टर एक बोल्ट की सहायता से टाइट किया गया है उसको स्पैनर से खोल के फिल्टर को बाहर निकालें। इसके बाद फिल्टर पे हमें अच्छी तरह से कंप्रेस्ड एयर मारनी है ताकि उसके ऊपर जो जितना भी धूल मिट्टी है कचरा है वो साफ हो जाए। इसके बाद हम फिल्टर को फिर से फिल्टर कवर के अंदर लगा के स्पैनर से टाइट कर देंगे, साथ ही साथ जो फिल्टर कवर है उसको लगा देंगे। फिल्टर कवर लगाते वक्त ये ध्यान दें कि जो फिल्टर कवर की गैस्केट है वो फटी ना हो, अगर वो फटी हुई है तो उसे चेंज करना ना भूलें। बाकी फिल्टर्स को भी क्लीन करने के लिए इसी प्रक्रिया को दोहराएं, तीनों फिल्टर कवर को खोलें और फिल्टर को क्लीन कर दें। इसके बाद हम जानेंगे कि रोटर के जो वेन्स हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारे हेड्स हैं उनके ऊपर फ़ैन कवर लगे होते हैं उस फ़ैन कवर को खोलना है। उसके बाद हमने फ़ैन को खोल लेना है, फ़ैन को खोल के हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद जो हमारे फ्रंट कवर लगे हुए हैं उन सबके ऊपर लगे बोल्ट्स को हम खोल के बाहर निकालेंगे। सारे बोल्ट्स खुल जाने के बाद हमने एक बेयरिंग पुलर लेना है और उसको शाफ्ट पे लगा के फ्रंट कवर के साथ एडजस्ट करते हुए हमें उसे टाइट करना है। जैसे ही हम उसको टाइट करेंगे तो हमारा जो फ्रंट कवर है वो बाहर निकल के आ जाएगा। फ्रंट कवर के निकलने आने के बाद हमें रोटर के अंदर लिए हुए चारों कार्बन ब्लेड्स को बाहर निकाल लेना है। वेंस को बाहर निकालने के बाद हमें वेंस को फाल्कन के जेन्युइन वेंस के साथ ही रिप्लेस करना है, तभी प्रॉपर वैक्यूम आएगा और हमें प्रॉपर लाइफ मिलेगी। वेंस को रोटर में डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें जो ब्लेड का लिखा हुआ हिस्सा है जिसके ऊपर फाल्कन का आइटम कोड और फाल्कन का नाम लगा हुआ है उसको हमें रोटर में अंदर की तरफ रखना है और जो टेपर वाला हिस्सा है उसे हमने बाहर की तरफ रखना है। इसके बाद रोटर को घुमा के देख लें कि कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे पंप में लगने वाले
सभी कंपोनेंट्स और पार्ट्स को हाईली प्रिसाइज मशीनिंग के द्वारा तैयार किया जाता है ताकि चलते वक्त उनमें कोई भी दिक्कत ना आए और आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस मिले और प्रोडक्ट की लाइफ मिले। अब बारी आती है दोबारा से फ्रंट कवर को फिट करने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम डावल को निकाल लेंगे, उसके बाद जो हमारे फ्रंट कवर के अंदर बेयरिंग फंसा हुआ है उसको हम बाहर निकालेंगे। हमारा बेयरिंग बाहर निकल चुका है, अब हमने करना क्या है, हमने फ्रंट कवर को पंप हेड के साथ लगा देना है। और लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें जो पेपर गैस्केट लगी हुई है वो फटी ना हो, अगर फटी हुई है तो उसको रिप्लेस कर दें। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी बोल्ट्स हैं उनको टाइट कर देंगे और डबल पिन को ठोक देंगे। फ्रंट कवर हमारा लग चुका है, इसके बाद हम बेयरिंग को लगाकर उसको हल्का सा हैमर के साथ ठोक के टाइट कर देंगे। इसके बाद हमने फैन को टाइट कर देना है और साथ ही फैन कवर को लगा देना है। अब हमारे जो वेंस हैं वो चेंज हो चुके हैं और पंप हमारा यूज़ के लिए तैयार है। इसी तरीके से अगर हमें दूसरे हेड के वेंस चेंज करने हैं तो हमने सेम प्रक्रिया को दोहराना है और वेंस को चेंज कर लेना है। अब जानेंगे ग्रीजिंग के बारे में। DLV 750C के अंदर टोटल चार ग्रीजिंग पॉइंट हैं। उन चारों ग्रीजिंग पॉइंट को एक्सेस करने के लिए हमें हेड के ऊपर लगे हुए फैन कवर्स को खोलना होगा। तो सबसे पहले क्या करें, दोनों फैन कवर्स को खोल लें। जैसे ही आप फैन कवर को खोलेंगे तो आपको जो फैन कवर के अंदर वाले ग्रीजिंग पॉइंट हैं वो दिखेंगे। ग्रीजिंग करने के लिए आपने करना क्या है, ग्रीजिंग गन लेनी है और जो दिखाया हुआ ग्रीजिंग पॉइंट है, जो हमने स्टिकर लगाया हुआ है हर एक ग्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, वहाँ पे हम ग्रीजिंग गन को लगाएंगे और 4 से 5 बार उसको पुश करेंगे ताकि जो ग्रीज है वो अच्छी तरीके से ग्रीजिंग पॉइंट पर चली जाए। इसी तरीके से जितने भी ग्रीजिंग पॉइंट हैं वहाँ पर इस प्रक्रिया को दोहराना है। अब हमारी ग्रीजिंग हो चुकी है, अब बारी आती है फ़ैन कवर को लगाने की। तो हम फिर से फ़ैन कवर को लगा देंगे। फ़ैन कवर को लगाते वक्त ध्यान रखें कि जो एरो वाला हिस्सा है जिसके ऊपर एरो मार्क है वो ऊपर हो ताकि हमें फ़ैन की डायरेक्शन पता चलती रहे कि हमारा जो फ़ैन है या जो हमारा पंप है वो इस सही डायरेक्शन में घूम रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका पंप जो है यूज़ के लिए तैयार है और आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।